गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट। इन इंग्लिश ग्रामर वी आर रीडिंग चैप्टर फर्स्ट, नाउन एंड इट्स काइंड्स। बिफोर द समर वेकेशन वी हैव रीड नाउन एंड इट्स फ्यू काइंड्स। देर आर फोर काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी हैव रीड कलेक्टिव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोगों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ चुका था समर वेकेशन से पहले, आपकी गर्मी की छुट्टियों से पहले हम लोगों ने ये तीनों पढ़ लिया था। लेकिन अब हमको पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू करने से पहले मैं आपको कलेक्टिव नाउन के कुछ एक्सरसाइज को बताऊंगा, फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू करेंगे। सो अगर आपका टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये वीडियो पड़े हुए हैं आपके ग्रुप में, आप वहाँ जाएं और देखें और समझो उस टॉपिक को कि क्या प्रॉपर नाउन और क्या कॉमन नाउन और क्या कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो बिफोर स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम एक्सरसाइज ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं एक बार फिर से दोबारा से कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विथ कलेक्टिव नाउन। The noun which denotes the group of person, place, animal or things. It is clear of its name, collective. Collective noun means the noun which denotes the group of person, place, animal or things. We can take the example of, now tell me, what can we call that place where we collect books? Then you will say it's a library. It's a library where we collect book. So library is a kind of collective noun. We can write collection of books. So now take another example. Jury. Jury means group of judges. So take a screenshot of it so that you may write it in your fair copy. जैसा कि जो ये मैडम ने बताया कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। पीपल, एनिमल्स और थिंग के ग्रुप और कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज हेयर, क्वेश्चन नंबर बी।
match the collective noun to the common nouns correctly. One is done for you. One is done for you means एक solve किया हुआ है, उसी को देख के आपको solve करना है. तो it is very easy बेटा, ध्यान से देखिएगा. ये जैसे यहाँ पे soldiers हैं, तो group of soldiers को क्या कहेंगे? जैसे बहुत सारी battalions, soldiers खड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आर्मी बोल सकते हैं. तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्मी. हियर नाइन आर्मी. तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? यहाँ हम राइट करेंगे नाइन. ठीक है. स्टेप्स, स्टेप्स क्या होते हैं बेटा? सीढ़ी, एक सीढ़ी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप्स कहते हैं. तो ग्रुप ऑफ स्टेप्स हो तो उसको बोलेंगे फ्लाइट ऑफ स्टेप्स. क्या बोलेंगे? फ्लाइट ऑफ स्टेप. 13 ईयर फ्लाइट ऑफ स्टेप. तो यहाँ हम राइट करेंगे 13. नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स. हियर प्लांट्स, ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. हियर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स या कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं? जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नर्सरी कह सकते हैं. नर्सरी, यहाँ देखिए नर्सरी कहीं लिखा होगा, नर्सरी है 20 नंबर नर्सरी. तो यहाँ पे हम इसको सी के आगे लिख देंगे 20. इसी तरह सारे इन वर्ड्स के ग्रुप को ढूंढ के इनसे मैच कराना है. ठीक है. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स. हियर आर गिवन कलेक्टिव नाउन्स, लाइब्रेरी, टीम, कंपनी, आर्मी, गैंग, क्लास, बंच. नाउ हियर माय स्कूल हैज़ अ वंडरफुल ऑफ बुक्स. ग्रुप ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स क्या कहेंगे बेटा? लाइब्रेरी. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये लाइब्रेरी. द बास्केटबॉल वॉन द मैच इजली. बास्केटबॉल, बास्केटबॉल तो नहीं जीत सकता मैच, तो बास्केटबॉल टीम वॉन द मैच इजली. तो यहाँ क्या होगा? टीम होना चाहिए. टीम है ये वर्ड, यहाँ लिखेंगे टीम. द ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर अ स्कूल ट्रिप. द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ स्कूल ट्रिप. क्लास क्या है बेटा? क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है. क्लास का नाम लेते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता है. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा द क्लास ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर अ स्कूल ट्रिप. फोर्थ देखिए यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये खुद से करिएगा बेटा. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच बेटा. होमवर्क आप ये करिएगा रफ कॉपी पे, और जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. थैंक यू सो मच.